हेलो फ्रेंड्स, आज डेट है 20 जनवरी 2020 और इस डिस्कशन में हम लोग डेली न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और पीआईबी के न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं उनके फैक्ट को हम लोग एक्सप्लानेशन के तौर पर डिस्कशन करते हैं। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज रिलीज्ड बाय यूनेस्को। सेकंड स्टेटमेंट इज डेनमार्क टॉप द सोशल मोबिलिटी रैंकिंग। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। राइट आंसर होगा इसका टू ओनली, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहली बार इस बार इसको रिलीज किया है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 76 आउट ऑफ 82 कंट्रीज। इसमें सोशल मोबिलिटी में क्या क्या चेक किया जाता है, तो बहुत सारे कंसर्न है, जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी क्या है, इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी क्या है, एब्सोल्यूट इनकम मोबिलिटी क्या है, ठीक है, एब्सोल्यूट एजुकेशनल मोबिलिटी क्या है, तो इन सब के बारे में इसमें चेक किया जाता है। इसके फाइव डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, जैसे पहला हुआ हेल्थ, सेकेंड इज एजुकेशन कि कितने एजुकेशन में कहाँ तक पहुँच है, क्वालिटी कैसी है, इक्विटी उसमें मतलब कि सेक्स रेस सेक्स के हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि उसमें अनइक्वालिटी बिहेवियर किया जाता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, आफ्टर डेट टेक्नोलॉजी, वर्क में अपॉर्चुनिटी, वेजेज एंड कंडीशन, यानी वेज में ऐसा तो नहीं है कि सेक्स मैटर करता है कि मतलब महिलाओं को जो है फीमेल को मेल की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में भी इसमें कंसर्न किया जाता है। जो सेकेंड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रिपोर्ट टाइटल्ड टाइम टू केयर अनपेड एंड अंडरपेड केयर वर्क एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज पब्लिश्ड बाई ऑक्सफैम। सेकेंड स्टेटमेंट इज इंडियाज रिचेस्ट 1% होल्ड मोर देन 4 times द वेल्थ हेल्ड बाई 953 million। कहने का मतलब सिंपल यही है फ्रेंड्स कि जो इंडिया के टॉप 1% जो रिचेस्ट पर्सन है उनकी टोटल जो संपत्ति है वो 4 times है, यानी 4 गुनी है, कितने लोगों की, 953 million लोगों के, ठीक है, जो बॉटम के 70% है इस देश के। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। तो योर राइट आंसर इज बोथ वन एंड टू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसके बाद में ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है वो नॉन प्रॉफिट फोकस्ड एलिविएशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी है, मतलब ग्लोबल पॉवर्टी इसको कंसर्न करता है और मेजर करता है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो वर्ल्ड के 1% रिचेस्ट लोग हैं उनके पास जो रेस्ट पॉपुलेशन यानी 6.9 बिलियन लोग जो हैं उनकी संपत्ति की तुलना में दोगुनी संपत्ति इनके पास है, तो इतना इक्वल अनइक्वलिटी है। थर्ड क्वेश्चन है, पथरी रिसेंटली सीन इन न्यूज अ टाउन एंड अ म्यूनिसिपल काउंसिल लोकेटेड इन, कहाँ पे आपको बताना है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। योर राइट आंसर इज महाराष्ट्र, क्योंकि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर साईं बाबा का ये बर्थ प्लेस है, तो इसके लिए यहाँ पर खर्च करने की बात कर रहा है। फिर है, व्हाट इज जेनोबोट रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो जेनोबोट क्या है, हाल फिलहाल में न्यूज में देखा गया है, ये वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग मशीन, एक्सोप्लैनेट, क्रिप्टो करेंसी, ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट बाय केरला पुलिस, ठीक है। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लिविंग मशीन है ये, वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग मशीन। आपको बताना है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है विराटनगर और जो इंडिया के बीच है, तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जोगबनी एंड विराटनगर इंटरनेशनल ट्रेड पॉइंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेड पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी ICP इज लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। तो आर राइट आंसर इज बोथ वन एंड टू, क्योंकि जोगबनी और विराटनगर, ये जोगबनी जो है इंडिया साइड से है और विराटनगर नेपाल साइड से है, ये जो है ट्रेड बॉर्डर है, यहाँ पर ट्रेड पॉइंट है, और इस ट्रेड लैंड पोर्ट अथॉरिटी जो है इसको जो है रेगुलेट करता है। जो सिक्स क्वेश्चन है,
आपको बताना है नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन 2006 एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाई नेहरू युवा केंद्र संगठन। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। तो राइट आंसर है बोथ वन एंड टू। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है ये केंद्र सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसको आप याद रखिएगा कि ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको सपोर्ट करता है। ऑर्गेनाइज ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है ट्राइबल बच्चों को और ट्राइबल लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने कल्चरल इथोस, लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट, इन सबको जो है प्रोमोट एंड प्रोग्रेस करें। फर्स्ट प्रोग्राम जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। सेवेंथ क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। इट्स हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन डावोस इन स्विट्जरलैंड एंड इट्स पब्लिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, पब्लिश जो है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज टू ओनली, ठीक है, क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है वो दावोस में तो है, सॉरी स्विट्जरलैंड में तो है, लेकिन वो दावोस में नहीं है बल्कि कोलोगनी में है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कब इस्टेब्लिश किया गया, 1971 में इस्टेब्लिश किया गया। फिर इसके बाद में इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जो है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल अवार्ड, यहाँ से जो है मेंटल हेल्थ बच्चों के लिए इन्होंने काम किया था, तो इसके लिए इनको मिलने वाला है, तो यहाँ से 24th को एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए चर्चा में था। कौन कौन से रिपोर्ट को पब्लिश करता है तो देख लेते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, उसके बाद में ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, फिनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। तो इसको आप याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, इसके बाद में है ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, फिनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, सबके साथ ग्लोबल लगा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू रिसेंटली हेल्ड बर्लिन समिट 2020, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट एम्स टू स्टॉप ऑल फॉर्म फॉरेन इंटरवेंशन इन सीरिया। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट वॉज हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूएन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज योर करेक्ट। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू, क्योंकि ये जो है इंटरवेंशन सीरिया से नहीं बल्कि लीबिया से इंटरवेंशन को ये के लिए ये किया गया था, लीबिया में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, पीस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये लीबिया के लिए हुआ था, ना कि सीरिया के लिए। जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है कि टाइगर शार्क रिसेंटली सीन न्यूज। तो टाइगर शार्क क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए इज न्यूली रीइंस्टेटेड 222 स्क्वाड्रन ऑफ सुखोई, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट इन तंजावुर, ठीक है, ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनाइटेड स्टेट एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट, मार्स मिशन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नॉन ऑफ द एबव। देन तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कि ये सुखोई फाइटर जेट है जिसको तंजावुर में रीइंस्टॉल किया गया है। इसके बाद में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की कि ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद में है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, ठीक है, आपको बताना है कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के बारे में कौन सा जो है वो सही है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास बाई कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी प्रोवाइड्स द लॉ ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ कोर्ट इन इंडिया बाई फॉरेन कोर्ट वाइस वर्सा, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इट इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 44 ऑफ द सिविल प्रोसीडर कोड 1908। तो योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ एंड नन। तो राइट आंसर इज बोथ वन एंड टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ लोकस्ट आर फाउंड इन इंडिया। लोकस्ट एक तरह का जो होता है वो
जंतु टाइप कीड़ा होता है, आप ये समझिए, और इसको सामान्य भाषा में गांव में बोला जाता है सुग्गा, ठीक है, राम जी का सुग्गा, जो ये क्या करता है, फसलों को बर्बाद कर देता है, क्रॉप को बर्बाद करता है, तो इससे काफ़ी सारे क्रॉप जो होते हैं वो फसल बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेज का फसल होता है उसको भी ये काफ़ी डिस्ट्रॉय करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा लोकस्ट जो है वो इंडिया में पाया जाता है, डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। तो आप योर ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑल ऑफ दी अबव। योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इज पब्लिश बाई, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। योर ऑप्शन स्टेटमेंट इज यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, यूएनडेसा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नहीं पब्लिश किया जाता है। तो 3 को हटा दीजिए आप यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो देन योर राइट आंसर इज 1 एंड 2, ठीक है। इसके अलावा इसमें यूनाइटेड नेशन के भी जो यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, इट इज PSU कॉरपोरेशन रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज स्टेचुरी बॉडी, तो ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है। तो योर ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, बोथ एंड नन। राइट आंसर इज 1 only। इसके बाद है आपको बताना है कि कौन सा जो है टर्टल के बारे में सही है, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्री वाटर टर्टल विल बी सेटअप इन उड़ीसा, विच विल एक्ट एज होम टू सिक एंड सिवियरली इंजर्ड टर्टल दैट आर बीन रेस्क्यूड फ्रॉम स्मगलर्स, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो है बिहार के भागलपुर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। टर्टल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रिवर बाई कंट्रोलिंग फिश पॉपुलेशन एंड कंट्रोलिंग एक्वाटिक प्लांट एंड वेट्स, ठीक है। और जो थर्ड है वो है टर्टल हैव कम अंडर सीरियस थ्रेट प्राइमरली फॉर फूड एंड पेट ट्रेड। योर राइट आंसर इज 2 only। इसके बाद में कंसिडर द, आपको बताना है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो कार्बन स्टॉक इन इंडियन इंडियाज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट फेयर फायर मॉनिटरिंग, ठीक है। फिर इसके बारे में कोरल कवर एंड मैंग्रोव कवर, तो आपको बताना है कि कौन इसमें सही है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देख सकते हैं, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 4 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये कोरल को कवर नहीं करता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट में कोरल के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 5। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एंड 5।